भिंडी की फसल इन दिनों खेतों में लहलहा रही है। पैदावार भी अच्छी है लेकिन मुनाफा ना के बराबर है। इसकी वजह है फसल में सुंडी का प्रकोप। हालात ये हैं कि किसानों को भिंडी की फसल से लागत भी पूरी करनी मुश्किल हो रही है। गर्मी के सीजन में भिंडी की खूब मांग है, इसलिए खपत भी बहुत हो रही है। भिंडी का नाम पौष्टिक तत्व देने वाली हरी सब्जियों में प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन मांग के बावजूद दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। किसान परेशान है। खाद, बीज, दवाएं और लेबर का खर्च पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय भिंडी थोक में 22 से 28 रुपए किलो बिक रही है और लागत भी लगभग इतनी ही बैठ रही है, इसलिए मुनाफा नहीं हो पा रहा है। किसान घाटे से परेशान है। भिंडी को अगर दिल्ली या राजस्थान की मंडियों में ले जाएं तो किसानों को किराया बहुत पड़ता है, इसलिए भिंडी उगाने वाले किसान परेशान है। दाम नहीं मिलने की बड़ी वजह भिंडी में सुंडी की बीमारी लगना बताया जा रहा है। जो रेट है, रेट लागत से भी कम मिल रहा है किसान को। किसान को मौसम को रेट की दोनों साइड की मार पड़ रही है। क्या लागत आई है, कितने में क्या रेट मिल रहा है? रेट इसका लगभग 22 से लेकर 28 तक। और लागत कितनी आई? लागत लगभग सेम ही है। किसानों पर पहले तो मौसम की मार और अब रेट की मार। परेशानियां किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। किसानों की फसलों में जितनी लागत आ रही है उतना ही खर्च, ऊपर से बीमारी अलग। मौसम की वजह से किसानों के खेतों में पैदावार भी कम हो रही है। किसानों का कहना है पिछली फसलों में भी धोखा हुआ है और इस फसल से आस थी वो भी खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि उन्हें रेट कम दिया जा रहा है, लेकिन जब यही किसान सब्जी खरीदने जाता है तो दुगने देने पड़ते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि मजदूर भी परेशान है। मौसम की मार और ये सुंडी लग रही, जितना खर्चा उसने कोई फायदा नहीं हो रहा कुछ भी, और इसमें बच था ही नहीं है। जिम्मेदार क्या करेगा, जिम्मेदार तो खत्म है इस हिसाब से। पिछली फसलों में भी नुकसान, पिछली में भी नुकसान है, कणक में भी नुकसान है। क्या रेट मिल रहा है? रेट जितनी खर्चा रहा, मजदूरों की मजदूरी भी नहीं पूरी हो रही उसमें। तो जिम्मेदार तो बेचारा घाटे घाटे माँ, उसकी मजदूरी पूरी नहीं हो रही। मजदूर मांगा 300 रुपया मांग रहा, चाह पानी भी दे रहा, वो सब कुछ दे रहा, उसने तो कुछ भी नहीं बच रहा बेचारे ना। बताओ उसमें दुआई भी है, उसमें सारे काम है, क्या काम नहीं है उसका? सरकार क्या दे रही? हम सब्जी लेने जाओ तो सब्जी महंगी मिला गई है, सब्जी बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। खावागा तो है सब्जी, चाहे जिस तरह मर्जी खावागा, जिम्मेदार बेचारा कहाँ जा। किसानों का कहना है कि सुंडी की वजह से उनका काफी नुकसान होता है। हालात ये है कि उन्हें फसल की कीमत तक नहीं मिल पा रही है। फोकस हरियाणा के लिए लाडवा से सत्येंद्र चौधरी की रिपोर्ट।